अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कराना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होना ज़रूरी है और आपकी वेबसाइट पर मिनिमम 15 से 20 पोस्ट होना ज़रूरी है। तो आपने पोस्ट तो लिख दिया है लेकिन आपकी वेबसाइट पर अभी ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए सिंपली मैं आपके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट को प्रमोट करने का तरीका लाया हूँ। ये प्रमोट करने का तरीका जो है पेड है लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप गूगल एड्स की मदद से आपकी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरी ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है technicaljaffer.in। तो इस वेबसाइट को मैं प्रमोट करने वाला हूँ। तो प्रमोट करने के लिए सिंपली एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ads.google.com को सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ads.google.com में आप आ रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो साइन इन का बटन आपको सिंपली नज़र आ रहा है और गेट स्टार्टेड का एक बटन नज़र आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया है तो आप सिंपली साइन इन कर सकते हो। अगर आप अभी तक गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सिंपली आप यहाँ से गेट स्टार्टेड को क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं साइन इन यहाँ से सिंपली मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को साइन इन कर लिया है। तो यहाँ से मैं न्यू कैंपेन जी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही न्यू कैंपेन जी पर क्लिक कर देते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेल्स लीड्स वेबसाइट ट्रैफिक प्रोडक्शंस एंड ब्रांड। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक पर क्लिक कर देता हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड टाइप है सर्च डिस्प्ले शॉपिंग वीडियो डिस्कवर। तो मैं यहाँ पर सर्च में लाना चाहता हूँ तो इसलिए सिंपली यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर वेबसाइट का URL मांग रहा है। तो मैं यहाँ से मेरी वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर इस URL को पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कैंपेन जी नेम नज़र आ रहा है। तो मैं कैंपेन जी नेम जो डिफ़ॉल्ट है इसी को रहने देता हूँ। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो लोकेशन नज़र आ रहा है इंडिया नज़र आ रहा है तो मैं इसे अनटिक करके एंटर अनदर लोकेशन को क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इंडिया टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक इंडिया चूज़ कर लिया। ऐसे मैं और एक यहाँ से पाकिस्तान ले लेता हूँ। नेपाल ले लेता हूँ। ऐसे ही बांग्लादेश भी ले लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इंडिया नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश लिया है। यहाँ पर यहाँ की एवरेज CPU बहुत ही कम रहती है इसीलिए मैं इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर आपका बजट को टाइप करना है तो मैं यहाँ पर बजट डाल देता हूँ 100 रुपीज़। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्सेशन में आपको जो कन्वर्सेशन बाय डिफ़ॉल्ट है इसी को ही रहने देना है। यहाँ पर सेट टारगेट को आपको टिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर मैक्सिमम CPU लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 20% डाल देता हूँ। 20% मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इसके ऐसे ही मैं सिंपली नीचे आने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालना है। कीवर्ड्स डालने के लिए यहाँ पर आप अपना जो प्रोडक्ट है या अपनी जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड यहाँ पर आप कीवर्ड्स को सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से एक दो कीवर्ड्स को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा वेबसाइट आर्डिनो के रिलेटेड है तो मैं इन सभी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से अभी आपकी जो ऐड है उस ऐड को क्रिएट करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर हेडलाइन वन में टाइप करना है। मैं यहाँ पर हेडलाइन वन में टेक्निकल जाफर डाल देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे ही टेक्निकल जाफर डाल दिया हूँ यहाँ पर आपको टेक्निकल जाफर नज़र आ रहा है। तो पर यहाँ पर हेडलाइन टू में मैं यहाँ पर आर्डिनो डाल, यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल जाफर आर्डिनो आ चुका है। हेडलाइन थ्री में मैं रास्पबेरी पाई डाल देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो रास्पबेरी पाई भी आ चुका है।
ऐसे अगर आप यहाँ पर पाथ भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मतलब आपके यूआरएल के अंदर आप कोई भी कैटेगरीज हो तो उस कैटेगरीज का भी लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं आर्डिनो डाल देता हूँ। सेकेंड डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर रास्पबेरी पाई लिख देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका ऐड ऐसे नज़र आएगा सिंपली। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू टू कैंपेन जी को क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऐड ग्रुप क्रिएट हो चुका है, आपका स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबल हो चुका है, और आपका टारगेट सीपीए भी देख सकते हो आप 20% आपको नज़र आ रहा है। आपकी साइट को मैनुअल रिव्यू किया जाएगा, मैनुअल रिव्यू करने के बाद आपकी साइट को प्रमोट होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी साइट पर इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।